एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ न्यू होम. सो अभी आज एक्चुअली मैं सुबह उठ गई थी 5:24 पे, मेरी नींद खुल गई थी. वैसे तो मेरी नींद 4:30 पे खुल गई थी, बट देन मैंने टाइम देखा तो मैंने बोला नहीं थोड़ी देर सो लेती हूँ. बट मैंने सोने की कोशिश करी, मुझे नहीं नींद आई, तो मैं 5:30 पे उठ चुकी थी. और उसके 15 मिनट बाद विक्की भी उठ गया था. तो आज हम लोग यहाँ पर सोए थे. ये हमारा जो बेडरूम का मैट्रेस है ना, वही है, और उसके ऊपर हमने ऐसे मॉस्किटो नेट लगा ली थी. और रात में थोड़ी सी वाली जो विंडो है वो ओपन कर ली थी, बिकॉज यहाँ पर ना ये इसी तरह की स्लाइडिंग विंडोज है. उसके अलावा कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक भी विंडो नहीं है. यही एक ड्रॉबैक है, बट यहाँ से बहुत अच्छी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हवा आती है, बिकॉज ये ईस्ट फेसिंग है. मतलब यहाँ ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है. और सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ रही है, हम लोग लिटरली इसके लिए बहुत तरसते थे कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती है. तो आप सामने का व्यू देखिए. एंड एज इट इज़ पूरा यहाँ पर सब वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं है. इस रूम की हालत देखिए क्या हो रखी है. और मैंने फिर भी काफ़ी कुछ काम चालू कर दिया है. मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो गया है. ये सब मैं निकाल रही हूँ. मैं कभी भी लिटरली अपने शादी में खरीदा था मैंने ये, बट मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया है. मैं ये सब अपने सारे फाउंडेशन, लॉरियल, वेट एंड वाइल्ड, ये सब कुछ, ये हिलेरी रोडा का पैलेट, इसके बाद ये मेबेलिन का, ये सब कुछ मैं अभी किसी किसी को देने वाली हूँ. सारी चीज़ें, फिटमी का कॉम्पैक वम्पैक, और ये तो मतलब बिल्कुल नए हैं. ये आईलाइनर्स तो एकदम ही नए हैं, बट मैं ये सब दे दूँगी बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती हूँ. जितना मेरे पास सामान था उससे, और मैंने बताया ना मैं सिर्फ 20-30% यूज़ करती हूँ. एंड आई एम ग्लैड कि ये शिफ्टिंग का काम हुआ, सो आई गॉट सम रियलिटी चेक का. तो अब मैं काफ़ी कुछ निकाल रही हूँ. मैंने आधे से ज़्यादा अपने सूट जो है ना वो सब निकाल दिए हैं, और भी मैं भी निकाल रही हूँ बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही हुआ है. मतलब ये सिर्फ स्टार्टिंग है. एक बॉक्स खाली हुआ है अभी तक, और वो दो बॉक्स खाली हुए हैं, दैट्स इट. यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है, ये आप देख सकते हो. अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ है. मैंने सब कुछ ही ऑलमोस्ट एकदम खाली खाली कर दिया है. जो एकदम ठसा ठस भरा हुआ था ना, वो सब मैंने खाली कर दिया. मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको. लुक एट दैट. ये सनराइज़ हो रहा है. देन यहाँ पर एक छोटा सा लेक टाइप का है, जिसके आसपास पूरा पार्क बना हुआ है. इस बिल्डिंग के साइड में ही एक पार्क है काफ़ी बड़ा सा, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं. यहाँ बिल्डिंग के नीचे पार्क है, आप वहाँ पे जा सकते हो. यहाँ पे रनिंग करने के लिए और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं. पार्क वार्क बहुत सारे हैं. सो येस, एंड मैं स्टार्ट करती हूँ वापस से अपना काम करना. मैंने एक बैग जो ट्रॉली बैग है वो खाली करके वहाँ ऊपर पहुँचा दिया है. यहाँ पर ऊपर जगह है, तो मैं सारे ट्रॉली बैग्स जो सोच रही हूँ वहीं पर रखवा दूँगी. बेड बॉक्स में फालतू में जगह बहुत घेरती है, या लेट्स सी उनको नीचे रखूँगी, अदरवाइज बेड बॉक्स में कुछ और सामान आ जाएगा. देखते हैं जैसा भी होता है. यहाँ पर इनफैक्ट किचन में भी इतनी सही धूप आ रही है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है अपने प्लांट्स के लिए. मैं लिटरली वहाँ पर धूप नहीं आती थी, बट फिर भी मैं अपने प्लांट्स बहुत अच्छे से मैनेज करती थी विदाउट सनलाइट. तो मैं यहाँ पे तो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने प्लांट्स को लेकर के. हाय गाइस, सो मैं डायरेक्टली कल के बाद आप लोगों से आज मिल रही हूँ, बिकॉज़ आई वाज सो बिजी इन यू नो ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स. बट स्टिल अभी भी मैं आपको रफ लुक देती हूँ कि क्या है. तो यहाँ सब जगह सामान पड़ा हुआ है. मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है कहाँ क्या रखाएगा. फर्नीचर एकदम परफेक्ट लेआउट में फिट हो चुका है, बट अभी चीज़ें जमाने में टाइम लग रहा है, बिकॉज कल अभी किचन का थोड़ा सा कारपेंट्री रिलेटेड वर्क होने वाला है. सो वो हो जाएगा, फिर मैं फाइनल ऑर्गेनाइज करूँगी. एक बार आप लोगों को लुक देती हूँ किचन का भी. तो दिस इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप. अभी तक हमारा गैस ऑन नहीं हुआ है. आज फर्स्ट डे था, बट स्टिल गैस ऑन नहीं हुआ है. हम लोगों ने आज बाहर का ही खाना खाया है. सो लेट्स सी, शायद से कल शाम से बनना स्टार्ट हो जाएगा. सुबह तो नहीं बन पाएगा, बट हाँ शायद से कल शाम से खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट जो भी खाना बनाएंगे वो होता है ना मीठा बनाना होता है, एंड साथ में ग्रीन बनाना होता है. ऐसा घर वालों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सो दैट वैसा. और हम लोगों ने यहाँ पर मंदिर रखा है, तो ये भी थोड़ा सा मंदिर का जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं चेंज करने का सोच रही हूँ. तो वो मैं चेंज करूँगी, वैसा कुछ करना है. लेट्स सी, इस एरिया को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करेंगे. सो यस, एंड अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए. सो बस वही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. तो यस, मैं आप लोगों से भी मिलती हूँ, यही अपडेट है अभी. तो अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या ब्लॉक करूँ, क्योंकि मैं खड़ी रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, सोचती रहती हूँ ये यहाँ रखूँ ये कहाँ रखूँ वैसा वाला.
मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल सुबह, क्योंकि कल काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। डेकोरेशन पार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 10 to 12 days लग सकते हैं, आराम से होगा डेकोरेशन वाला, तब मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर दूंगी। सो यस, और अभी तो मेरे को बेसिक डेकोरेशन करूंगी, मैंने जो सोच के रखा है उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, तो वो मैं आराम से करूंगी 2-3 महीने के बाद, जब फ्री हो जाऊंगी मैं तब मैं करूंगी, या जब मुझे लगेगा कि मुझे बोर लग रहा है तब करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये वाले में मैं आपको एक नॉर्मल टूर दे दूंगी। यही अपडेट है फिलहाल। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल, मतलब वीडियो चलेगा बट कल वाले पार्ट में। हेलो एवरी वन, सो आई एम जस्ट ब्रेकिंग द वीडियो हियर एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू समथिंग। तो जब से मैं इस घर में आई हूँ, पहले तो अभी फ्रॉम 10-15 days से आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। एज यू कैन सी, मैं अपने स्क्रीन पर देख सकती हूँ कि आई एम लुकिंग लिटिल वीकर, थोड़ी सी वीक लग रही हूँ मैं, मेरे आँखों के आसपास भी थोड़ा डार्कनेस बढ़ गया है, बिकॉज मैं दिन रात एक करके जो लिविंग रूम है और जो डाइनिंग रूम है उसको डेकोरेट करने में लगी हुई थी, और सो भी मैं बहुत कम रही हूँ, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, तो ना एकदम से शेड्यूल चेंज हुआ है ना, तो उस वजह से मुझे लगता है आई लॉस्ट 2 kgs एज वेल, तो वो तो मुझे करना ही था, बट ये डार्कनेस वगैरह जो आ गई आंखों के आसपास, ये नहीं चाहिए थी मुझे, उसको भी मैं ठीक कर लूंगी। हाँ, सो क्या हुआ है ना कि अभी पिछले जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मुझे इतना मैसिव हेयर फॉल हो रहा है। जो फ्रेंड है मैं उससे डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि इट माइट पॉसिबल, क्योंकि अभी ना यहाँ पर 2-3 connections हैं, तो वाटर का एक कनेक्शन बोरिंग का पानी आता है और एक BMC का आता है और एक शायद ऊपर टंकी से आता है, तो अब वो जो ऊपर वाली टंकी है जो जिसमें से पानी आता है वो बोरिंग का पानी है कि वो BMC का पानी है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। तो मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि एक बार तू बिस्लरी की बॉटल मंगवा करके देख कि हो सकता है अगर उससे कंट्रोल हो रहा होगा तो इट माइट पॉसिबल कि पानी का प्रॉब्लम है, एंड अदरवाइज उससे भी वैसे ही झड़ रहा है, तो मतलब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, विक्की से लिटरली ये बॉटल मंगवाई बिस्लरी की, ऐसी एक और रखी हुई है, 2 bottles हमने मंगवाई है, तो ये 100 rupees की मुझे पड़ गई, तो ठीक है, मतलब एक बारी में, क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं, मैं कंडीशनर भी करती हूँ, शैम्पू करती हूँ, तो मुझे इतनी बड़ी बॉटल तो चाहिए ही चाहिए, एक बाल्टी भर के पानी, तो एक बारी में मैंने यूज़ कर लिया है, दूसरी बार एक और रखी हुई है, तो वो दो, बस ये दो ही है जो मैं यूज़ करके देखूंगी, तो पता चलेगा कि हाँ पानी का प्रॉब्लम है या अंदर गड़बड़ी चल रही है। तो यस, मैंने, क्योंकि मतलब आप सोचो कि किस लेवल का मेरा हेयर फॉल हो रहा होगा कि मुझे ये मंगवाना पड़ा है, मतलब आई कांट इवन टेल यू कि कितना बंच गिरा, इवन वॉश करते टाइम भी, जब मैं कॉम कर रही है तब भी। फिर मैंने कल मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मुझे 2-3 चीज़ें बताई कि तुम इन सब चीज़ों को मिक्स कर करके थोड़ा लगाओ अपने बालों में, मसाज करो, ये करो, वो करो, एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का आर्गन हेयर ऑयल, इसके अंदर आर्गन है एंड साथ ही साथ अवोकेडो ऑयल मिला हुआ है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल है। तो ये करता क्या है आपके बालों में, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेल्दी हेयर स्कैल्प को प्रमोट करता है, एंड साथ ही साथ जो फ्रिजीनेस होती है उसको ये कम करता है। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम जब मैं इसको यूज कर रही हूँ। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बॉटल इज दिस कैप, ये जो स्पेशल टाइप का कैप है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ से ऑयल निकलता है, बिकम्स वेरी इजी टू अप्लाई ऑयल। दूसरा है मामाअर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल, इसके अंदर मिला हुआ है टी ट्री, साथ ही साथ जिंजर, सैलिसिलिक एसिड, तो ये बेसिकली आपके अगर डैंड्रफ वाले हेयर हैं तो उसके लिए सुपर बेनिफिशियल है। ये इची एंड ड्राई स्कैल्प को सूदन आउट करता है, हेल्दी स्कैल्प को प्रमोट करता है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। सो इफ यू हैव एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टी ट्री हेयर ऑयल। उसके बाद मेरे पास 2 और variants है, जो कि है अनियन हेयर ऑयल और है ब्रिंग आंवला हेयर ऑयल। सो ये जो अनियन हेयर ऑयल है इसके अंदर मिला हुआ है अनियन सीड ऑयल, साथ रिडेंसिल, ये भी हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ ऐड करता है। बाद बात करते हैं ब्रिंग आंवला हेयर ऑयल की, तो इसके अंदर भृंगराज है, आंवला है एंड ब्राह्मी है, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है, एंड जितने भी ऑयल्स हैं सब सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप है। तो अभी तो हम लगाने वाले हैं ये आर्गन हेयर ऑयल। सो मामाअर्थ इज़ ऑल अबाउट गुडनेस, तो जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं मामाअर्थ का, मामाअर्थ की वेबसाइट से, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्लानट को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मामाअर्थ हैज बीन अवॉर्डेड पेटास क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनी सर्टिफिकेशन एज वेल। तो यहाँ पर मैं आफ्टर हेयर वॉश की क्लिप डाल दूंगी, स्क्रीन पर दिया हुआ, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे देन यू विल गेट 20% ऑफ एट मामाअर्थ
मामाअर्थ की वेबसाइट पर। मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं नायका अमेजन एंड mamaearth.in पर। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली ब्लॉग की तरफ। सो वेलकम टू माई किचन। अभी भी बहुत कुछ येट टू सेट है, सेटल होना बाकी है। अभी तो जैसा जो सामान था, जो समझ में आ रहा था, वैसे ही हम लोगों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अभी 4-5 दिनों से हम लोग खाना बाहर से मंगवा रहे थे। रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि यहाँ पर गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं स्टार्ट हुई है, डल चुकी है, बट वो स्टार्ट होने में 2-3 मंथ लगेंगे। तो हम लोगों ने हमारे जो ओनर हैं, जो हमारे एक्स ओनर थे, उनसे गैस बोरो किया है। वही अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो कल आया है और आज फर्स्ट टाइम किचन में कुछ कुक होने वाला है। तो टेक्निकली हम लोग वैसे काढ़ा बना चुके थे उसमें, बट स्टिल जो ऑफिशियल कुकिंग होती है, खाना अन्य जिसको बोलते हैं, वो आज बनेगा। तो मम्मी ने मेरे को बोला था कि ग्रीन कुछ बनाना ताकि हरा भरा यहाँ पर सब रहे, एंड साथ ही साथ कुछ मीठा बनाते हैं। तो मैं हलवा भी एंड साथ ही साथ मेथी की सब्जी बना रही हूँ, रोटी मैं एकदम एंड में बनाऊंगी। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी 4 साल से तो मैं वो वाला यूज़ कर रहे थे हम लोग, जो पाइपलाइन आता है उसमें कुछ झंझट नहीं होता है, आपको सिर्फ ऑन करना होता है कनेक्शन एंड देन यू हैव टू जस्ट, आपका गैस चालू हो जाता है। तो और विक्की भी जब से रह रहा है तब से उसको भी मिला पाइपलाइन मिला। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग गैस सिलेंडर यूज करें। घर पे होता है गैस सिलेंडर, हमारे घरों पे वही यूज होता है, बट वो क्या है, पापा लोग और मम्मी लोगों को इतना हैबिट होता है उसको करने का कि, तो अब हम लोगों ने आज फिटिंग तो कर दी है, बट ये जो फ्लेम्स है ना वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा डर लगता है ना गैस वैस के काम में। तो अभी मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया है और उनको हेल्प मांगा है कि आप फिटिंग के लिए किसी को एक बार चेक कराने के लिए भेज दीजिए कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, बिकॉज इसकी फ्लेम्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा आ रही है, जो कि बहुत डरावनी दिख रही है। सो यस, अभी हम करते हैं कुकिंग स्टार्ट। Hey guys, so I just finished filming and खाना वाना खाने के बाद आई टेक नैप ऑफ आधे घंटे का या एक घंटे का, बिकॉज मैं भी यहाँ पर डेली सुबह 7 to 7:30 के बीच में उठ जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 8 o'clock तक तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हमको ना ऐसे सनराइज होता हुआ दिखता है, इतना सुंदर लगता है यहाँ बैठ कर मैं देखती हूँ, या मैं वहाँ बाहर चली जाती हूँ। सो वैसा, एंड अभी मैंने अपना शूट वगैरह ख़त्म किया है एंड दिस रूम इज़ अ कम्प्लीट मेस। बेडरूम का जो वार्डरोब है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी आपको देखिए वार्डरोब के ऊपर 3 boxes दिख रहे होंगे, तो ये जो एक बॉक्स है यहाँ वाला, तो ये जो ऐसा बॉक्स है, एक इसी तरह का पूरा बॉक्स मैंने डिस्कार्ड नहीं बोलूंगी बट डोनेट करने के लिए निकाला था, जिसको मैंने मेरी यहाँ की जो हेल्पर आती हैं उन्होंने बताया कि उनके चौल में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं और फलाना ढिमकाना, तो मैंने उनको दे दिया है। और एक इसी तरीके का बॉक्स पूरा भरा हुआ रखा हुआ है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है ऑर्फिनेज के लिए, वहाँ पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करके आऊँगी, मतलब डोनेट करके आऊँगी। फिर उसके बाद एक जो बैग है वो वाला, वो जो आप देख रहे हो वहाँ पर, मेरे बहुत सारे इंडियन वेयर्स हैं, मेरी स्कर्ट्स एंड ये सब जो मैं नहीं पहनती हूँ वो मैंने उस पर रखा है, तो वो मैं भोपाल लेकर के आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी मेरे पहचान में हैं जो पहन लेते हैं, मतलब उनको दे डोंट माइंड वेयरिंग माई ड्रेसेस, बिकॉज मैं यूजुअली 1 या 2 बार वो पहने हुए कपड़े हैं, ऐसे नहीं डोनेट करती हूँ। अगर वो और पूछ लेते हैं कि इफ़ दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें से ऐसे क्लोथ्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ एक बार पहना हुआ होगा, तो ये सारे कपड़े जितने भी हैं डोनेशन के लिए ही हैं, डोनेट के लिए हैं, मैंने काफ़ी सारे यूटेंसिल्स डिस्कार्ड कर दिए। तो उसके बावजूद ये वाला जो पूरा वार्डरोब है ना कि अभी भी भरा हुआ है, बट अब मैं थोड़ा एकदम से इतना खाली नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने लिटरली तो
बड़े बड़े कार्टन निकाल दिए हैं कपड़ों के और एक पूरा पूरा बैग निकाल दिया है। बट स्टिल मैं धीरे धीरे इस प्रोसेस पे हूँ कि मैं और अभी दो से तीन मंथ्स में और डिस्कार्ड करूंगी सारी चीज़ें, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने में भी मज़ा नहीं आता है। एंड क्योंकि मैं इस तरह के प्रोफेशन में हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारा सामान वो बैक टू बैक आता भी जाता है, तो इसलिए जितना आएगा उतना निकालेंगे, ऐसा रूल बनाऊंगी। जैसे अगर अभी मेरे पास 5 क्लोथ्स आए हैं तो मुझे 5 निकालने ही निकालने हैं पुराने, तो वैसा मैं सोच रही हूँ। कुछ सामान आया है अमेज़न से, तो ये मैंने बाहर रख दिया था क्वारंटीन होने के लिए। तो ये सारा भी बॉटल्स एंड सारी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे DIYs जो हैं वो प्लान करे हुए हैं। सो या लेट्स सी, एंड ये है, देखते हैं लेट्स सी क्या सामान आया हुआ है, इसको ओपन करती हूँ मैं। सो बेसिकली दिस इज़ द हालत ऑफ माई बैल्कनी राइट नाउ, और मैं बैल्कनी मेकओवर प्लान कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि हम क्या क्या करते हैं इस पर। सो व्हाट आई एम डूइंग हेयर, ये हमारे पास पिछले घर का ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, नेट होता है, बर्ड नेट होता है ये, तो वो रखा हुआ था एंड ये इतना ही रखा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा मेजरमेंट वगैरह ले लिया है, कुछ DIY मेरे दिमाग में है क्योंकि ऑलरेडी ये वेस्ट होता, तो इसलिए मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ जितना बड़ा बैल्कनी का वॉल है, एंड इसको कट कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको पूरा DIY नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा स्नीक पीक दिया है कि मेरा कैसे स्टार्टिंग हो रहा है, बिकॉज ये बैल्कनी बहुत छोटी है and I have to utilize the area. Hello दोस्तों, so हाँ, तो आज हम लोग जा रहे थे एक्चुअली एक प्लांट नर्सरी, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स चाहिए थे, प्लांट्स सारे ख़राब हो गए हैं, तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे जहाँ पर एक्चुअली में बहुत अफोर्डेबल रेट में प्लांट्स मिलते हैं, जो हम लोगों ने फिगर आउट करी थी, एक नर्सरी थी। बट अनफॉर्चुनेटली रोड्स पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, वो है आराम से 10 से 12 किलोमीटर्स दूर है, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होता है 10 से 12 किलोमीटर्स, बट उसमें क्या होगा ना, मैं आप मान के चलो कि मैं 500 रुपीज़ का डिफरेंस लेके चल रही हूँ कि आराम से वहाँ पर मुझे 500 रुपये में कम मिल जाएंगे और यहाँ पर 500 ज्यादा लग जाएंगे। तो उस चक्कर में एक तो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, बिकॉज रोड्स पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है। आई थिंक लोकल अभी चल नहीं रही है एंड उसके बाद लोग सब रोड से प्रेफर कर रहे हैं ट्रैवल करना, मैक्सिमम लोग रोड से ही प्रेफर कर रहे हैं ट्रैवलिंग करना, ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं सब तरह की, तो सब कुछ रोड पे है। तो मतलब जितना ट्रैफिक यहाँ पहले होता था ना, उससे इंटू टू ट्रैफिक हो गया है मुंबई में, तो एक्चुअली में इंटू फाइव हो गया है, थाने में भी इंटू फाइव हो गया है, एकदम मेन मुंबई जैसा ट्रैफिक रहने लग गया है यहाँ पे, तो पहले इतना नहीं रहता था यहाँ पे ट्रैफिक। सो फिर हमने ये डिसाइड किया है कि यार इतना लंबा वहाँ जाएंगे, 3 से 4 घंटे हमारे आराम से लग जाएंगे सिर्फ 500 रुपए बचाने के चक्कर में। सो टाइम इज मनी, सो वी आर सेविंग अवर मनी, सेविंग अवर टाइम, क्योंकि हमको इधर आगे भी जाना है, विव्याना तरफ भी जाना है और 2-3 काम है, तो इधर उधर 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 20-30 किलोमीटर हो जाएगा आज ही, तो फिर हमने कैंसिल कर, हमने कहा उधर ही जाते हैं, वहीं वाली जो एक नर्सरी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है वो नो डाउट, बट ठीक है वहीं से अब ले लुआ करके खत्म करती हूँ मैं। सो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, शॉपिंग मतलब अपना पर्सनल, कोई कपड़े वपड़ों की शॉपिंग नहीं, मुझे लेना है हैंगर्स, एयर टाइट कंटेनर। एक्चुअली क्या हुआ है ना, जिसमें हम आटा रखते थे उस पूरे आटे में चींटियाँ हो गई हैं, यहाँ पर इतनी रेड वाली जो चींटी नहीं होती है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, मतलब मैंने अभी तक हमेशा मीठी चीज़ों में चींटियाँ होते देखी थी, यहाँ पर आपने अगर जो तीखा वाला चीज़ नहीं होता है वो भी गिरा दिया है ना, तो उसमें भी चींटियाँ हो जाती है, इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं कि बाप रे बाप, मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। मुझे आए हुए कितने दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, बट आई एम लिटरली फेड अप विथ ऑल दी एंट्स जो यहाँ पर घूमती हैं और रेड वाली। तो उसका सोल्यूशन कुछ लेकर के आना है प्लीज़, मुझे कुछ सोल्यूशन बताओ कि कैसे क्या कर सकते हैं कि हम वो घर में ना आए। लक्ष्मण रेखा कुछ काम नहीं कर रही है, एक स्प्रे भी हमारे पास है वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है, वो हम डालते हैं पर वहाँ पर वो दोबारा आ जाती है। तो आई वॉन्ट समथिंग कि वो एटलीस्ट 15 डेज तक कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि हम 15 डेज तक वहाँ पर कोई चींटी ना आए और हम बार बार कर लें, भले ही वो चलता है। तो वही है, मैंने अपनी पूरी चेकलिस्ट बना ली है कि मुझे क्या क्या लाना है। मैं अभी जा रही हूँ खुद से ऑटो से, पहले विक्की चलने वाला था बट उसकी कॉल स्टार्ट हो गया है तो वो मुझे पिक कर लेगा, बिकॉज अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं चली जाऊँगी, बट हाँ आधे टाइम मेरे पास काफ़ी सामान रहने वाला है। तो या लेट्स गो, एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग, और अभी आप पीछे का मेस जो है वो अवॉइड करिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। एंड ये वाला हैंड बैग मैं ले करके जा रही हूँ, पूरा खाली है, सिर्फ इसमें मोबाइल एंड वॉलेट है, सो ताकि मैं इसमें भी सामान अपना भर सकूं, तो मैं अच्छा बड़ा सा हैंडबैग लेकर के जा रही हूँ। चलती हूँ मोबाइल के कैम से।
तो मैं लिटरली आई थिंक 7 या 8 months के बाद विव्याना आई हूँ और होम सेंटर आई हूँ, बिकॉज़ भोपाल में होम सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर आई हूँ देखने के लिए. एंड बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख के, काफ़ी कुछ नया स्टॉक आया है. तो आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने नए होम टूर के साथ. टिल देन बाय.